हरि प्रसाद की माँ जाजरकोट में ही थी जब नेपाल में हाल ही में भूकंप आया, जबकि वो खुद शिमला में मौजूद थे। गोपाल प्रकाश साही ने जाजरकोट में भूकंप के प्रभाव के बारे में ही बताया। चीन के दक्षिणी शिनजियांग में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। उन्होंने कहा कि भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 8 किलोमीटर की गहराई में था। इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए नेपाल में आए भूकंप के बाद की ये एक रिपोर्ट लाया है, देखिए। उस दिन में तो हिमाचल प्रदेश में था, इंडिया में काम के सिलसिला में, तब में इनका जो एक्सीडेंट मंगल की मतलब के घर में सब भूकंप आ गया, मेरे को पता चला। उस टाइम में ये मिलने के लिए आते, ये सारे जो भी मेरा मकान है, जो बना हुआ मकान, वो सारे जो भूकंप की वजह से सारे गिर गया, सारे ऊपर ला गए, जो भी लकड़ी बना हुआ, जो पत्र मकान बनता है, किसने निकाला? उन्होंने 39-year-old गोपाल प्रकाश साही has some injuries from the quake. He recounts what happened on that day. हम घर में सोए थे, रात को 11:30 बजे था, वो भूकंप जैसा भी नहीं था, ब्लास्ट जैसे तो ब्लास्ट बम होता है उसी तरह आया था। सेकेंड में हमारा घर से जीरो खत्म हो गया था। हम बच गए, हम चार लोग थे, माँ से पांच लोग थे, बच्ची को अभी खतरा है, हम तो ठीक है, घर में तो सब खत्म हो गया था। उसने खाने को कोई भी चावल दाल कुछ नहीं है, कपड़े शपड़े भी अभी नहीं, सब कुछ निकाला भी नहीं, बुरा खत्म हो गया। मेरे घर से 2-3 meters पास और घर मकान है, वो घर में दिखाई नहीं दे रहा था धूल की वजह से, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज आ रहा था कराने का, बचाओ बचाओ। हम रात को 12 बजे पुलिस के गाड़ी ने हमको रुकुम डिस्ट्रिक्ट रुकुम एयरपोर्ट तक उसने लिए, वो रात हम बदले बैठे, वहाँ से सुबह छोटा प्लेन आया था, उसमें से हम नेपाल गए।